Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, I have already taught you about use of have and has. Friends, today I am going to teach you about the use of have plus having. हम have और having का इस्तेमाल कब करते हैं? Have का इस्तेमाल तो आपको मैंने पढ़ा दिया है, but आज मैं having का इस्तेमाल आपको बताऊंगा कि having का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं. ठीक है friends? So let's start the class of the day. Friends, have and having. Actually, में उसके पास gun है. उसके पास gun है. You know very well. I have already taught you. मैंने इसके बारे में पहले ही वीडियो डाल दिया था basic में. जब मैं basic की वीडियो डाल रहा था, तब कि उसके पास gun है. तो he has gun. He has gun. या ही हैज गॉट अ गन. लेकिन आज हैविंग का इस्तेमाल कर हम यही सेम सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ में कोई फर्क नहीं होगा, बस इंग्लिश सेंटेंस के बनाने में थोड़ा सा फर्क होगा, हिंदी में कोई फर्क नहीं होगा. ठीक है फ्रेंड्स, उसके पास गन है तो ही हैज अ गन. ठीक है, अभी हैविंग का इस्तेमाल यहीं पर हम करेंगे तो यहां पर इज लग जाएगा. ही इज हैविंग गन. मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हैव का मतलब बहुत कुछ होता है. हैव का मतलब रखना भी होता है, हैव का मतलब लेना भी होता है, हैव का मतलब करना भी होता है. तो यहां पर हैव का मतलब रखना से है, इसलिए ही इज हैविंग अ गन, वह एक बंदूक रख रहा है या उसके पास एक बंदूक है. हम सेम मीन्स कोई भी फर्क नहीं है बोलने में. आप या तो ये सेंटेंस बोलिए ही हैज अ गन एंड ही इज हैविंग अ गन. तो आजकल ज़्यादातर ये सेंटेंस ज़्यादा यूज हो रहा है लिखने में भी और बोलने में भी, कि आई एम हैविंग अ गन, आई एम हैविंग अ कार, मीन्स मेरे पास एक कार है. ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके पास गन था तो यहाँ पर ही हैज अ सॉरी ही हैड अ गन. ये पास्ट है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हैज और हैव का पास्ट जो होता है हैड होता है, इसके लिए यहाँ पर हमने हैड लगाया है कि ही हैड अ गन. बट इसके पास्ट में हम ए हैविंग लगाकर बनाएंगे तो ही वॉज हो जाएगा. ही वॉज हैविंग अ गन. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके इंटरोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. जैसा मैंने आपको फार्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से बनेगा. जो भी इंट्रोगेटिव आएगा, नेगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड आएगा. जैसा कि उसके पास गन है, उसके पास गन नहीं है तो ही हैज नॉट गन या ही इज नॉट हैविंग अ गन. क्या उसके पास गन है तो हैज ही गन या इज ही हैविंग अ गन. उसके पास गन नहीं था तो ही हैड नॉट अ गन या ही वॉज नॉट हैविंग अ गन. क्या उसके पास गन था, हैड ही अ गन या वॉज ही हैविंग अ गन. ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे कि क्या उसके पास गन है तो हैज ही अ गन, क्या उसके पास गन है तो इज ही हैविंग अ गन. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ज्यादा मतलब सोचने वाली बात नहीं है कि इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसा बनेगा. बस जो फार्मूला है, नेगेटिव का फार्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट से पहले, क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स. बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूँ जिसमें हैव टू हैज टू लगाकर बनाते हैं, उसको उसी को हम हैविंग लगाकर बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस है, उसे दवाई खानी पड़ रही है. मैंने आपको हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल बताया था बेसिक में, कि उसे दवाई खानी पड़ती है या उसे दवाई खानी है या उसे दवाई खानी होती है. इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, ही हैज टू टेक मेडिसिन. ठीक है, मुझे काम करना पड़ रहा था है इसमें, तो मुझे काम करना पड़ता है, या इसमें अगर पास्ट हो गया तो मुझे काम करना पड़ा या काम मुझे काम करना पड़ता था या मुझे काम करना था, इस तरह का सेंटेंस होगा तो आई हैड टू डू वर्क, ऐसे बनाते हैं. बट इसमें उसे दवाई खानी पड़ रही है ऐसा होगा तो हम सीधा हम हैविंग का इस्तेमाल करेंगे. ही इज हैविंग टू टेक मेडिसिन. मुझे काम करना पड़ रहा था,
इस तरह के सेंटेंस बनेंगे, उसे दवाई खानी पड़ रही है, ही इज हैविंग टू टेक मेडिसिन, मुझे काम करना पड़ रहा था तो आई वॉज हैविंग टू डू वर्क। इसमें बिल्कुल ही कुछ नई चीज़ नहीं है, इसमें अगर आप हैविंग टू से बनाते हैं, इसमें पढ़ रही है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो उसमें हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट में है तो इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, अगर पास्ट में है तो वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, जैसे उसे दवाई नहीं खानी पड़ रही है तो ही इज़ नॉट हैविंग टू टेक मेडिसिन, क्या उसे दवाई खानी पड़ रही है तो इज ही हैविंग टू टेक मेडिसिन, उसे दवाई क्यों खानी पड़ रही है तो वाई इज ही हैविंग टू टेक मेडिसिन। इसमें अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा, मुझे काम नहीं करना पड़ रहा था तो आई वॉज नॉट हैविंग टू डू वर्क, क्या मुझे काम करना पड़ रहा था तो वॉज आई हैविंग टू डू वर्क, मुझे काम क्यों करना पड़ रहा था तो वाई वॉज आई हैविंग टू डू वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे, हैविंग वाले पास वाला सेंटेंस होगा तो उसमें सिर्फ इज लगाकर, या प्रेजेंट होगा तो इज लगाएंगे, पास्ट होगा तो वॉज लगाएंगे और हैविंग लगा देंगे। जैसे मेरे पिताजी के पास कार थी, तो मेरे पिताजी के पास कार थी, दिस इज द पास्ट, पास्ट हो गया तो माई फादर हैड कार, और हैविंग से बनाएंगे तो माई फादर वॉज हैविंग अ कार। ठीक है फ्रेंड्स, वे लोग कार रखते हैं तो दे हैव अ कार या दे आर हैविंग कार। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी चीज़ है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।